चलिए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 18 में कनेरी, जहां पर बामन देव चौक पर एक हाईमेस का उद्घाटन भिवंडी लोकसभा के खासदार कपिल पाटिल के हाथों किया गया। जी हम आपको बता दें कि भिवंडी वार्ड नंबर 18 में बामन देव चौक पर हाईमेस ना होने के कारण स्थानीयों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि आए दिन चोरी छेड़खान की घटनाएँ आए दिन घटती थी, जहाँ इन सारी समस्याओं को देखते हुए समाज सेवक रवि पाटिल ने खासदार निधि से एक हाईमेस का उद्घाटन कपिल पाटिल साहब के हाथों से कराकर वहां की जनता को रोशनी दी। हम आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में भिवंडी लोकसभा के खासदार कपिल पाटिल, भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश चौगले, नगर सेवक प्रकाश टावरे, स्थानिक नगर सेविका दर्शना गायकर, कामिनी रवि पाटिल, फरहान सिद्दीकी उर्फ लक्की व स्थानिक संता जैसे कि तेलुगु युवा मित्र मंडल, नवदेव मित्र मंडल, मामन देव मित्र मंडल सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता व स्थानिक वहां पर उपस्थित थे, जहां पर खासदार कपिल पाटिल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सभी का विकास चाहती है, शहर के विकास के लिए भाजपा सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं हमारे चैनल के माध्यम से स्थानीय समाज सेवक व भाजपा भिवंडी शहर उपाध्यक्ष रवि पाटिल ने सबसे पहले तो सभी को दशहरा का शुभकामना देते हुए विकास के दृष्टिकोण से कहा कि अपने वार्ड की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो आज भारी मतों से मुझे जिताकर काउंसिल में भेजा, उनका सबसे पहले आभार प्रकट करके मैं अपने वार्ड के जो भी विकास के काम रहेंगे उसे पूरा करने का काम कहूंगा। मैं सभी भारतवासियों को और भिवंडी वासियों को, मेरे वार्ड के माता बहनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और मुझे जो मेरा जो समारंभ हुआ हाईमेक्स का, वो हेमेक्स मुझे खासदार साहब कपिल जी पाटिल साहब ने मुझे उनके फंड से मिला है। मेरे और मेरी मिसेज जो नगर सेवका है यहाँ स्थानीय कामिनी रवि पाटिल, और वहाँ जो हेमेक्स लगाया जिन्होंने हमको, कपिल पाटिल ने जो हमको जो सहायता की निधि से, वहाँ रात दिन छेड़छाड़ चोरी और बहुत महिला को वहाँ तकलीफ होती थी। तो मैं बहुत सुमित पाटिल आमदार महेश चौगुले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मदद से ये हेमेक्स वहाँ लगा। और वहाँ प्रमुख अतिथि थे हमारे प्रकाश टावरे थे, और जिन्होंने मेरे मिसेस को जो नगर सेविका बनाया, वो मेरी जो मेरे घर की पब्लिक, तेलुगु मंडल, मेरे गांव वाले, ये इनके साथ रह के वो समारंभ हुआ उद्घाटन। और रहा एक शौचालय का विषय, मेरे वार्ड में बहुत शौचालय की तकलीफ थी, तो वहाँ शौचालय मैंने बनवा के दिया, रिपेयर किया, कुछ ज़्यादा नहीं था, वहाँ भी अच्छा करके दिया हो रहा। पानी का बहुत मेरे को समस्या थी, वहाँ मुझे प्रशासन ने हेल्प करके मुझे, मैं वहाँ फाइबर ब्लॉक लगा चुका हूँ, उसमें मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे लोगों ने जो मेरे पे भरोसा किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आगे चल के उनके साथ रहूँगा और उनका जो भी काम है आगे।